सब ने कहने लगे कहाँ जाओ, वोट तो गिर गई, जाओ वापसी जाओ। फिर हम आगे चल दिए, हमने उन पर ध्यान नहीं दिया। फिर आगे जाने के बाद पर स्कूल से थोड़ी सी दूर मासी कहने लगे लाओ आधार कार्ड दो, हमारा आधार कार्ड छीन लिया और दूसरों से वोट गिलवाई, जाली वोट। वहाँ पर सबने अपने मुंह पे कपड़ा ढक रखा था और जब बजाया किसी की कोई पहचान में नहीं आया। अब नु देख लो यार, अरे उठाया भी नहीं, गैर का भाग गया। डांट देना है, मुंह लपेट कर डांट देना है, अपना घर आर्मी भी मार पड़ी है उसे। आपको भी मारा गया का भी एक ट्वीट आया कि ऐसी कोई घटना डुंडू खेड़ा में नहीं हुई है, तो गलत है वो। हाँ घटना हुई है यहाँ पे, कौन क्या हुई नहीं, झूठ है सब, घटना हुई यहाँ पे। प्रशासन दबा रहा, हमने प्रशासन दबा रहा, हमारी आवाज नहीं सुन रहा कोई भी, पुलिस धमकी दे रही है हमें, पुलिस भी धमकी दे रही है। पुलिस हमें साथ ले गई है, पुलिस का क्या कहना है आप लोगों से, कैसा रवैया पुलिस का? पुलिस हमें साथ लेगी, जब वोट लेने वोट गिरने गए हम यहाँ से, पुलिस हमें लेगी उधर से, छोटे नहीं आई, जब उधर से आए जब तो पीटे हम। डुंडूखेड़ा में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। जो ट्विटर पर वीडियो वायरल हुआ उसकी पड़ताल करने के लिए मैं डुंडूखेड़ा पहुंचा, और जब डुंडूखेड़ा पहुंचा तो उस बूथ पर भी गया जहां यह घटना घटी। पहले यह बताने की कोशिश की गई कुछ लोगों द्वारा, जहां गुज्जर समाज के लोग, उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। पीड़ित परिवार भी मेरे साथ मौजूद है, जिस लड़की के साथ मारपीट हुई वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। क्या हुआ था आखिरकार अंदर? जी जिस तरह हम वोट गिरने गए तो पहले इनका लगे कि वोट नहीं गिरनी आपको, चलो आपकी तो वोट डल गई, मक्का गिर गई, मगर हम ले नहीं रहे अपने हाथ में, जब वोट हम गिरेगी जब ही तो गिरेगी, नहीं गिर गई तुम्हारी तो कितना ही, मतलब उन्हें वो करना कोशिश की हटाने की हमको। फिर हम आगे बढ़ गए तो फिर दूसरी बार हटके फिर थोड़ी सी दूर चल के थोड़ी सी दूर मिल चले तो वहाँ पे उन्हें रोका कि तुम्हारी वोट डल गई। हमने बोला मगर नहीं हम वोट गिरेंगे, मोदी को ही गिरेंगे। वे कहते कि कमल पे ही गिरना, मगर चलो ठीक है हम कमल पे ही गिरेंगे। फिर तीसरी बार इस तरह ही हुआ, फिर हम वैसे वोट डलगी मारी तो जबरदस्ती जो है उन्होंने बोला कि कमल को ही वोट देना तभी वोट डालेंगे। जी जी, मारपीट भी हुई आपकी? नहीं हमारे साथ तो मारपीट नहीं हुई, बस उन्हें जबरदस्ती करनी पड़ी, जो हमारे भाई थे उनके साथ हुई, हमारे चाचा के लड़के हमारे ताऊ के लड़के। क्या किया उन लोगों के साथ में उन्होंने? उन लोगों के साथ जैसे वोट डालने गए तो वोट तो डल गई थी उनकी, तो हटके वापस आई हुई तो उन्हें मारपिटाई करनी शुरू कर दी, उनके ऊपर चादर सी घेर के मतलब कपड़ा घेरा भाई पिछाण में ना आए, तो उनके साथ मारपीट कर दी उन्हें। अपने मुंह पर भी उन लोगों ने कहा, आप वहाँ मौजूद थे उस दौरान? जी सब थे, सब लोग थे यहाँ के। जी जी सब थे। क्या हुआ था उस दौरान वहाँ पर? वहाँ पर सब ने अपने मुंह पे कपड़ा ढक रखा था और जब बजाया किसी की कोई पहचान में नहीं आया। अब नु देख लो यार, अरे उठाया भी नहीं, गैर का भाग गया। पहचान में भी ना आए? नहीं जी, पाँच चार आए दिन भाई की पहचान में। उनका नाम जा रहा है, उन लोगों का नाम जा रहा है। नाम क्या नाम है, कुछ नाम सामने? नाम तो जो सामने वो शासन प्रशासन अपना आप खुद ही करेंगे, हमें इस बात पे दबाव है। इसके बाद जो है एसडीएम का भी एक ट्वीट आया कि ऐसी कोई घटना डुंडूखेड़ा में नहीं हुई है, तो गलत है वो। हाँ घटना हुई है यहाँ पे, कौन क्या हुई नहीं, झूठ है सब, घटना हुई यहाँ पे। प्रशासन दबा रहा, हमने प्रशासन आप दबा रहा है, हमारी आवाज नहीं सुन रहा कोई भी, पुलिस धमकी दे रही है हमें, पुलिस भी धमकी दे रही है आप लोगों। पुलिस हमें साथ लेगी, पुलिस का क्या कहना है आप लोगों से, कैसा रवैया पुलिस का? पुलिस हमें साथ लेगी, जब वोट लेने वोट गिरने गए हम यहाँ से, पुलिस हमें लेगी उधर से, छोटे नहीं आई, जब उधर से आए जब तो पीटे हम। आपको भी मारा है? नहीं छोटा भाई है मेरा, वो वहाँ है। अभी किस तरीके की हालत है उनकी? अब तो मुझे वहाँ है, सामने है अस्पताल में। क्या गंभीर चोटें आई है उन्हें? नाक पे भी है और भी है, गुम चोट है, सर में चोट है। कितने लोग घायल हुए हैं? तीन लोग घायल है, दो हॉस्पिटल में है, एक घर है। घायल व्यक्तियों का नाम क्या है? एक का नाम शौकीन है जी, एक का नाम आबिद है। शौकीन और आबिद, एक मेहरबान, एक मेहरबान, शौकीन, आबिद और मेहरबान नाम के व्यक्ति जो हैं वो घायल हुए। मैं आपसे जानना चाहूंगा किस तरीके का माहौल था जब आप लोग वोट डालने गए? मैं तो वोट गिरने गया, जैसे यहाँ से यहाँ पुलिस आई थी, पुलिस इनको लेकर गई तो वहाँ से पता चला वे पीट दिए, हम तो जब गए थे। उन लोगों ने पीटा है कि आरोपियों के नाम भी अभी सामने नहीं आ पाए हैं? आ रहे हैं कुछ के, आ रहे हैं कुछ के ही, कुछ के नाम जो है सामने आ रहे हैं। आप महिलाएं भी गई थी क्या वोट डालने के लिए उस दौरान? आप लोग वोट डालने गए थे उस दौरान? क्या हुआ था जब वोट डालने गए आप लोग? नुका थे कहाँ जा रहे, गिर गई थारी वोट, हम कहा लग गए मेरी वोट नहीं गिरी, बोलो हमने वोट गिर नहीं जाते, हम तो रास्ते में जा रहे। कहा लग गए नहीं आज तम ताई ताई सुनियो मक्के कहो सुन का माग गए तो जान दो। फिर हम जी चले गए, हम तीन जगह रोके, हम तीन जगह हमने सुनाई नहीं करी उनकी, हम सीधे चलो गए।
आपको मारा पीटा भी था क्या? नहीं जी, नहीं करा जी, वोट डालने गए हम कहा लगे कहाँ जाओ वोट गिरन वो करो नहीं कहा लगे। होश में आपके साथ में क्या हुआ था जब भाई हम वोट गिरने गए थे? पहले तो यही कूड़े पे यहाँ जो भूमिया है वहाँ से खड़े थे कितने ही सारे, सब ने कहने लगे कहाँ जाओ वोट तो गिर गई जाओ वापसी जाओ। फिर हम आगे चल दिए, हमने उन पर ध्यान नहीं दिया। फिर आगे जाने के बाद पर स्कूल से थोड़ी सी दूर वहाँ से कहने लगे लाओ आधार कार्ड दो, हमारा आधार कार्ड छीन लिया और दूसरों से वोट गिलवाई जाली वोट, दूसरों से जाली वोट डलवाई है, बड़ी धांधली है। हाँ हाँ, किन लोगों ने ये हरकत आप लोगों की? संजय बामन था जी एक, संजय बामन नाम हाँ। था ये, और उसने मुझे यो भी धमकी दी कि वहाँ से तू यहाँ से रहू ना जी, मैं ठड्डे पे यूँ कहा के क्या कह रहे देख लेंगे तुझे। साफ तौर पर धमकी आप लोगों को दी? साफ तौर पर दी। तो उसके बाद पुलिस में आप लोगों ने कम्प्लेन की? पुलिस वाले तो जी वैसे ही खड़े थे, उन्होंने किसी ने कोई इतना वो नहीं कर रहा था, इतना ध्यान नहीं दे रहा था। जो वे अंदर वोट गिर रहे थे ना, जो वे अंदर भी वोट गिर रहे थे, फिर मैं बाद में छीन मतलब उनसे लेकर आधार कार्ड गई भी, मैं वहां तक भी गई वोट गिरने, देख लो मेरे पे निशान नहीं लग रहा हाथ गिरने, मेरी वोट नहीं गिरी उन्होंने। वोट जो है आप लोगों की गिरी नहीं? हाँ नहीं गिरी नहीं, फिर भी मैं लेके चली गई। जाने के बाद में उन्होंने जो वोट का वो निशान लगा रहे थे, मैंने उनसे यूँ कहा मगर जी ये जाली वोट गिर रहे तुम्हें दिख नहीं रहा, इनके हाथ पे निशान लग रहा है। एक लड़की मेरी मेरे सामने ही कई बार लेके गई, वो लेकर आधार कार्ड लेके गई, मतलब कई बार उसकी उम्र भी नहीं थी वोट गिरने की लड़की की, उस पर कई बार वोट गिरवाई, उस पर कई बार जो है वोट गिरवाई। आप भी गए थे वोट डालने के लिए, किस तरीके का रवैया था आप लोगों के साथ में? ऐसा ही रवैया था जी, जैसा ये बोल रही बहन जी, इसी के साथ गए थे हम, ऐसा ही सबके साथ में जबरदस्ती हो रहा है, अधिकारियों ने मारपीट करने की कोशिश की। अधिकारियों के खिलाफ कंप्लेन आपने किसी पुलिस फिर आई बाद में? जिस तरह यहाँ पुलिस आई ना तो आते सर उन्हें लाठी चार्ज कर दिया सब पे। आप ही लोगों को मारा है जी? हाँ जी। आपको भी मारा है? हाँ जी, पुलिस वाले लग रहे हैं, पुलिस वालों ने मरवाया ये तो। हाँ सर, यहाँ घर पर छोड़ गए, घर पर नहीं गए, छोड़ कर लेकर चले गए पुलिस वाले। बताओ कितने लोग जो हैं आपके परिवार के, कितने लोग होंगे जो गांव के घायल हुए इस बार? तीन चार कई आ रही है, वैसे तो बहुत घायल है, वैसे तो थोड़ी बहुत ज्यादा घायल हैं, पुलिस वालों ने ही लाठी चार्ज करके मारा है। एक बड़ी धांधली जो है उत्तर प्रदेश के पहले चरण में ही सामने आई है, और लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, आप पत्रकार भी थे वहां पर, किस तरीके का आपने माहौल देखा यहां पर, क्योंकि आप उस लोगों से भी मिलकर के आए हैं जिन लोगों ने इस हरकत को अंजाम दिया है? बस जी माहौल तो हमने ये देखा कि यहां के लोग काफी घबराए हुए थे, डरे हुए थे, इनके दिलों में दहशत बैठ गई थी, यानी कुछ गाँव के दबंगता लोगों के कारण, उनकी वजह से इनके दिल में दहशत बैठ गई थी, इनके ये वोट भी नहीं गिर पाए, वोट ही नहीं डाल ली है पटी जेब में, वोट नहीं डालना, नहीं डालना चाहिए, डर के मारे है ये देख सकते हैं आप। आपका नाम मैं ये दिखाना चाहूंगा कि राकिब नाम है आपका, राकिब, और वोट डालने नहीं दिया जा रहा है इन्हें, खासतौर पर शाहरुख खान और राकिब को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, ये एक बड़ा खुलासा जो है जोगी खेड़ा में। आप लोगों को भी मारा पीटा गया था सर? पुलिस भी तो इनकी है, सब चीज इनकी है, मीडिया सब इनकी है, पुलिस की गाल जा रहा है, कल को किसकी गाल जाओ, कल किसके साथ जाओ वोट? इन लोगों ने कहा आपको वही से वही पे कह रहे सारे, वही के लोग जो है वही के लोग कह रहे सारे, आज तो पुलिस की गाल जा रहा है, कल को किसकी गाल जाओ, आज पुलिस की गाल जा रहे हो, कल को किसकी गाल जाओगे, ये धमकाते हुए दबंगों ने वोट डालने से मुस्लिम समुदाय के लोगों को रोका है। मारपीट कितनी महिलाओं के साथ हुई है यहाँ पर, मैं ये भी जानना चाहूंगा, आप वहाँ थे, आपके साथ भी सभी लोगों के साथ हुई, कितनी महिलाएं आप इकट्ठे होकर के गई थी? महिलाएं तो जब वोट डालने गए तो 8-10 थी, 8-10 महिलाएं थी, और जब डालने गए तभी रोका जा रहा था? जी जी, उन्हें यूँ बोला, धमकी दी, कहा चलो आपकी वोट डल गई, मगर वोट तो हम ले रहे हमारे पास है, तो वोट कहाँ से डल गई? कोई जनानी को पकड़ रहा, कोई पीट रहा घर में, मुंड मुंड का जबरदस्ती करने की कोशिश किया ने, जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की है। पीड़ित व्यक्ति भी हमारे साथ मौजूद है, आप देख सकते हैं कि कितनी गंभीर चोटें जो है इन्हें आई है, ये आंखों में जो दर्द है वो खास तौर पर देखा जा सकता है, ये बहुत कुछ बयां कर रही है, तस्वीरें पहले चरण में ही जो सामने आई हैं, इनकी आंखों में नम है आंखें, क्या हुआ था उस दौरान मैं जानना चाहूंगा। जी मैं वोटिंग इधर से हमने पुलिस वाले ले गए जी, और हम चले गए जी, यानी हम जा नहीं रहे थे वोट गिरन, और उधर से जो आया जी मैंने देखो जी बाड़ा कड़के थे पिछाड़े, तो मैंने आया नहीं, बाकी उधर से आते हो मेरे साथ मारपीट की,
मैं तो जी लिखता लिखता अपने अपने घर चले आया जी। किन लोगों ने मारपीट की आपके साथ? वो गुजर के है जी, उधर से ही सारे, बस और कौन है जी, बाकी मैंने पहचान नहीं पाया मैं उन्हें, क्यों बाड़ा कड़ के है, मुख डांटा बांध रहे, मुंह बांध रहे, मुंह उन लोगों ने बांध रखा था। ये है उत्तर प्रदेश का प्रशासन। पुलिस प्रोटेक्शन में ही आप लोग वोट डालने गए थे जी, और फिर जब आए तो आप लोगों के ऊपर हमला कर दिया गया, तब पुलिस कहाँ थी? पुलिस वो देरी वहीं रह गई थी जी, वोटिंग पुलिस, पुलिस चाय पी रही थी या स्कूल में ही थी जहाँ मतदान हो रहा था, वहीं चाय पी रही थी। कितने कदम की दूरी पर था जब मारपीट हुई इनके साथ में? ये हो गए 100 मीटर के आसपास। 100 मीटर की दूरी पर पुलिस प्रशासन जो है तमाशा देखता रहा। एक व्यक्ति के ऊपर हमला कर दिया जाता है, महिलाओं को मारा पीटा जाता है, ये कौन से लोकतंत्र की तस्वीर है जो कि उत्तर प्रदेश के जिलों से सामने आ रही है? कैराना से, डुंडूखेड़ा से ये तस्वीर सामने आई। पहले प्रशासन ने इसे नकारने की कोशिश की और जब नकारने की कोशिश की गई तो तस्वीरें जानने के लिए, पड़ताल करने के लिए हम उस गांव में पहुंचे जहां इन तस्वीरों को झूठा बताया जा रहा था। क्या हुआ था उस दौरान आपके साथ? जी, हम तड़के सुबह का टाइम वोट डालने गए। कितने बजे के लगभग के आसपास की बात है? जी 8:30 बजे के। तो किस तरीके का माहौल था, आपको कैसे रोका जा रहा था, क्या हुआ, आप बताना चाहें उस चीज को? जी मुझे रोका, हम 6-7 औरतें थी तो हमें रोका गया। वे बोले कहाँ जाओ, हम कहने लगे, मैं कहा वोट डालने जा रहे, कह लगे वोट तो तुम्हारी डलगी, मैं कहा वोट हमारे हाथ में तो कैसे डलगी, कह लगे तुम जाओ वोट तुम्हारी डलगी, तुम जाती हो या ऐसे ही जाओगी या और तरीके से जाओगी। तो हम उनसे निकल गए, मैं कहा तुम्हें क्या एलर्जी हो रही, मैं कहा वोट हम मोदी की घेरेंगे, हमें वहां झूठ बोलना पड़ा। तो फिर हम उनसे आगे निकले, थोड़ी देर, थोड़ी कुछ दूरी पर जाने के बाद फिर हमें रोका गया, फिर हमें यही सवाल जवाब किया, फिर हमने यही सवाल किया, तो फिर हमें थोड़ी दूर जाने पर फिर रोका। इतना हम वोटिंग के, मतलब जहां वोटिंग हो रही थी वहां लोग गए, इतना हमें 3 दफा रोका गया। तो उसके बाद हम झूठ बोल के वोट डाल आए, तो हम तो वोट डाल के आ गए, जो हमारे चाचा ताऊ और भाई बहन, मतलब भाई वोट डालने गए तो उनको मारा पीटा गया बहुत बुरी तरह से। दो अभी कैसी हालत है उन लोगों की? जी अभी बहुत गंभीर है, उन्हें होश भी नहीं है अभी तक का, न वे पहचान रहे न वे बोल रहे। किन लोगों ने ये धमकी आप लोगों को दी कि वोट आप लोगों के डर गए? कौन लोग थे वहाँ? पुलिस प्रशासन वहाँ मौजूद था तो क्या कर रहा था पुलिस प्रशासन? रास्ते में पुलिस प्रशासन मौजूद नहीं था, और जहाँ भी पुलिस थी वहाँ वे कुछ नहीं कह रही थी, मतलब उन्हें देख देख कर हंस रही थी। जब आप लोगों के ऊपर हमला हो रहा था तब पुलिस प्रशासन हंस रहा था? हाँ जी, क्योंकि मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि एसडीएम साहब भी यहाँ पहुंचे, उसके बाद उन्होंने ये बताने की कोशिश की गई कि ऐसी कोई घटना नहीं घटी है, अफवाह फैलाई जा रही है। अफवाह नहीं है, सच है, ये सच्ची घटना है जो सारी। क्या हुआ था अम्मा वहाँ पर? सच्ची है, लड़का पिटा, वोट नहीं देने दी, उल्टी पहली जाओ, हाँ मारे उल्टी पहल दिन का अपने घर जा, वोट डाल ली। तो आप देख सकते हैं ये आंखों में दर्द है, ये लोकतंत्र की वो तस्वीर है जहां लोकतंत्र की हत्या उत्तर प्रदेश में की जा रही है। ये पर्ची है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, वोट डालने का अधिकार है पर जबरन इन लोगों को वोट भी नहीं डालने दिया जा रहा है। यहां मैं बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश कैराना में अब्दुल सत्तार इनका नाम है, इनको वोट डालने से रोका गया है। मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या हुआ था जब आप वोट डालने वहां पहुंचे? तो रास्ते में 2-3 जगह पुलिस प्रशासन तो जो था वो तो था स्कूल में, रास्ते में लड़के खड़े थे बाबूजी, उन्होंने रास्ते में जान नहीं दिए वहां तक, जहां तक पोलिंग हुआ हो रहा था, वोट पड़ रही थी वहां, लोग जान नहीं दिए। पोलिंग बूथ की जगह पर आप लोगों को जाने नहीं दिया। महिलाओं की तस्वीरें सामने आई, मैं और भी आप लोगों से भी जानना चाहूंगा, उसके बाद जब आप वोट डाल करके आए तो क्या मारपीट आप लोगों के साथ भी की गई, किस तरीके की धमकी आपको दी जा रही थी? जी हम तो गए नहीं, मार तो पर्ची कर रखी। आप वोट डालने इस डर से नहीं गए? जी हम गए नहीं, डर के मारो, डर की वजह से वोट डालने नहीं गए, कभी हमारे साथ भी ऐसा ही हो जा मारपीट, डर की वजह से जो है वोट डालने आप लोग नहीं गए। कितने लोग गंभीर हैं, उन लोगों के नाम भी मैं जानना चाहूंगा जिन लोगों को मारा गया? 5 लोग जी। क्या क्या नाम है उनके? जी आबिद, सोनू, मेहरबान, यासीन, बारूक। ये 5 लोग घायल हैं। कितनी कैसी हालत है अभी इन लोगों की? गंभीर है जी, बोल भी नहीं रहे।
बोल नहीं पा रहे थी। किस तरीके सामने उन लोगों को रेफर से कांदले से सामली रेफर कर रखे, अभी तक कोई जवाब नहीं आया, ना बोल रहे, गुमसुम है, पड़े जैसे ऐसी है। ठीक है, गुमसुम तो मैं थे, उनकी जो रिपोर्ट थी वो नॉर्मल कटवा दी, वो पड़े बेहोश, उनकी बेहोश पड़े हुए। हाँ, उनकी नॉर्मल रिपोर्ट कटवा रहे, उनकी नॉर्मल रिपोर्ट जो है कटवा दी है। मेन महिलाओं से मैं ये जान, मेरा बच्चा बेहोश है जी। शाम के 5 बजे हैं, कितने बजे आप लोग वोट डालने गए थे और जब ये घटना घटी तो किस तरीके का माहौल था, पुलिस प्रशासन का रवैया कैसा आप लोगों के साथ? पुलिस तो जी वही थी, जहाँ वोट गिर रही थी जी, मतलब रास्ते में धक्के मुक्के दिए जी, थारी वोट नहीं गिरती अपना घर जाओ। किन लोगों ने धक्के दिए? गुज्जर थे जी, गुज्जर गुज्जर समाज के लोग थे जिन लोगों ने धमकी दी और पुलिस प्रशासन जी। पुलिस तो वहीं से थी जहाँ वोट गिर रही थी, रास्ते में कोई पुलिस नहीं थी, रास्ते में खड़ी थी गुज्जर के लड़के, इन्होंने धक्के दिए, इनको अपना घर जाओ, यहाँ थारी किसी की वोट नहीं गिरने की, वोट नहीं डालने दिया। हाँ, आप लोगों को किस वोट नहीं वोट बाद में डाल दी जी, घर बाद में वोट डाला है तो भगा दिए, फिर अटके से कह रही जब पुलिस आई घर पे लेने। वोट डालने गए तो क्या क्या कहा जा रहा था आपसे? मैंने कहा था कि तुम्हारी वोट डल गई, मैंने कहा घर जाओ, तुम गिर गई तुम्हारी वोट तो। खासतौर पर गुंडागर्दी ये कैराना में देखने को मिल रही है, वोटर लिस्ट जो है हम लोगों के सामने है पर इन लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। मैं एक एक करके नाम भी पढ़ना चाहूंगा जो कि हम देख रहे हैं कि ओमवीर नाम है, इन्हें वोट डालने नहीं दिया गया, और साथ ही साथ रहीसा है, इन्हें भी वोट डालने से रोका गया है, और साफ तौर पर जीजन जो कि इनको भी वोट नहीं डालने दिया गया, अंजुम नाम है जिनको वोट डालने से रोका गया, और मारपीट इनके साथ भी सामने आ रही है, निशा बेगम है इनके साथ भी इसी तरीके की हरकतों को अंजाम दिया गया, और जुगनू नाम है जिनको रोका गया है, और साथ ही साथ मैं बताऊंगा निशो जो कि वोट डालने गए इन्हें वोट डालने से रोका जा रहा है, इमरान नाम है उन्हें भी वोट डालने से रोका जा रहा है, और खासतौर पर गुलजार नाम है उन्हें भी वोट डालने से रोका जा रहा है, और जब महिलाएं वोट डालने गई हैं तो उनके साथ भी यही रवैया अपनाया गया है, पुलिस प्रशासन वहां चाय पीती रही पर किसी ने भी बचाने की कोशिश नहीं की। कोई पुलिस वाला सामने आया था बचाने के लिए? अपना बच्चा इस तरह मारा जी, खूब पुलिस को फोन करे, पुलिस भी नहीं आए ठान जी, मेरा बच्चा बेहोश है अभी, कोई नहीं छुटाना, किसी ने नहीं सोचा, श्याम लीरा फल है मेरा बच्चा। कौन लोग हैं उनके साथ में जी? लड़का है बड़े वाला, ताऊ है जी उसके, हाँ जी भाई भी है जी साथ में। तो फिर आप लोगों के साथ कितने लोगों के साथ गांव के मारपीट हुई होगी? सबके सभी के साथ हुई जी। कितने मुस्लिम समुदाय के वोट होंगे? 800 साढ़े 800 जी, जिन्हें वोट डालने से रोका जा रहा है जी, 800 में से कुल 50 वीसी वोट डाला गया, कितने वोट अभी तक डाले गए होंगे आप लोगों की तरफ से? 20-30 50 मुश्किल से गिरी होगी, नहीं वरना सारी वोट ऐसी कैसे ही है। 20-30 वोट जो है आप लोगों की तरफ से गिरे हैं, और फिर उसके बाद डर से आप लोग नहीं जा रहे? जी नहीं जा नहीं रहे, डर के मारो ही मगर फिर ऐसा ही हादसा होगा हमारे साथ में। चौका सोका ही हो अनि वोट गिरन आई हो, जो वोट गिरन आओगे होशियार होकर आई हो, अनि वोट गिरन आई हो कानक पिटेंगे। हां पिटेंगे, बेतु के पिटेंगे, जो वोट गिरन औरते जांगी और तो बेइज्जती भी करेंगे हम। मुसलमानों की वोट हमने गिर लिया, आओ ना गिरन, हम हमारी गिरन नहीं दीजिए किसी ने, फिर हमारे बच्चे गए, मैं बच्चों की मारपीट करी, बच्चे गए और उसके साथ में मारपीट की गई। इस बार जब हम वोट डालने गए, जो हमारे भाई ताऊ चाचा वोट डालने गए, पुलिस उनके साथ में थी, और जब वोट डाल के वापिस आए तो जब पुलिस उनके साथ नहीं थी, जब उनके साथ मारपीट किया गया। पुलिस वालों को फिर आप लोगों ने फोन किया? हाँ पुलिस वाले आए नहीं जी, हमारे बच्चे घंटे बाद आए, एक घंटे बाद आई पुलिस। आबिद साहब के वालिद भी मेरे साथ मौजूद हैं, क्या हुआ था आपके बच्चे के साथ? उसके साथ आपस हुई जी, वहाँ पिटाई हुई, खूब पिटाई करी, मैं कुछ कहना सुनना था, ठीक ठाक है गाँव में। पुलिस प्रशासन का रवैया कैसा आपके साथ? ब्रेक 1.5 घंटे बाद में आई पुलिस, जब गहने लट दिया उनकी जी भाई पुलिस, तो जब पूरी तरीके से पीट दिया गया तब पुलिस प्रशासन आया? हाँ जब आया 1 घंटे बाद में पिटाई गए, 1 से 1.5 घंटे बाद पुलिस प्रशासन आया, पूरा दबाव पड़ा पीछे से, जब आई पुलिस तो यहाँ की पुलिस प्रशासन आया है, आप ही लोगों के ऊपर लाठी चार्ज कर दी, उन लोगों जो पुलिस वाला दबाव नहीं कर रहे थे, चौकी पुलिस आई थी चौकी से, दबाव नहीं कर रहे थे बिल्कुल, कुछ कराया नहीं, बताया नहीं यहाँ तक।
और किसी तरीके की धमकी आपको दी गई? कोई धमकी नहीं मारा मारे लुका दी अब तो पुलिस बचा लेगी कल को कौन बचावेगा था मैं देखेंगे कल को कौन बचावेगा। ये गंभीर आरोप जो हैं ये किसी और के ऊपर नहीं यही प्रदेश के लोकतंत्र की जनता है जो ये साफ तौर पर कह रही है कि उन्हें वोट डालने से रोका गया। गुजर समाज के दबंग लोग थे जिन लोगों ने इनके साथ में मारपीट की और पुलिस प्रशासन वहीं बैठता हुआ मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया और चाय पीता हुआ दिखाई दिया। ये तस्वीर है डुंडूखेड़ा गांव की जहां तस्वीर को पहले ये बताने की कोशिश की गई कि ऐसी कोई घटना नहीं घटी और घटना और जिन लोगों के साथ में घटी वो मेरे साथ मौजूद थे और उन्होंने हर एक तस्वीर को बारीकी से बताया। क्या हुआ था आपके साथ में? आपको भी मारा गया है? इनको भी मारा गया है। मैं जानना चाहूंगा आपसे, आप युवा लोग हैं, जब ये घटना घटी तो आप लोगों का किस तरीके का रिएक्शन था? हम तो घर पे थे जी, ये तो वोटिंग गिराने जा रहे थे, अभी गए थे वोटिंग। फिर पुलिस प्रशासन का आपके गांव के लोगों के साथ में किस तरीके का रवैया था? पुलिस तो कहने का वेरी आई, कम से कम 1.5 घंटे बाद आई जी, पीट पट लिए ये सब। आते ही लाठी चार्ज उन लोगों के ऊपर कर दिया गया। भीड़ हो रही थी जी हमारी, क्योंकि तुम यहाँ से भागो, हम ही पीट रहे हैं लोग और हमें ही भगा रहे। ये प्रदेश का हाल है जहां जिसके ऊपर मारपीट हुई उसी के ऊपर पुलिस प्रशासन ने आकर के लाठी चार्ज कर दिया।